नॉर्मली उर्दू में ग्रेप्स को अंगूर कहा जाता है, लेकिन सोशल स्टडीज में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया जिसको बोलते हैं ग्रेप्स, जो कि किसी भी रीजन को समझने के लिए जरूरी है। जी फॉर ज्योग्राफी, आर फॉर रिलीजन, ए फॉर अचीवमेंट, पी फॉर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ई फॉर इकोनॉमी, एस फॉर सोशल स्ट्रक्चर। ज्योग्राफी में किसी भी फिजिकल रीजन में किस तरह की चीज़ें हैं, मीन्स के वहाँ कहते हैं माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, क्या है। रिलीजन में उस एरिया में लोग जो हैं उनका रिलीजन क्या है, रिलीजन में किसी भी उस एरिया में लोगों के रिलीजन क्या है, वो किसकी इबादत करते हैं, उनके बिलीव्स क्या है। अचीवमेंट्स में उस एरिया में जो है इन्वेंशन हुई हैं, क्या साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, उनका लिटरेचर कैसा है, उनका आर्ट्स कैसा है, और वो एरिया जो है किस वजह से मशहूर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वहाँ पे गवर्नमेंट किस किस्म की, वहाँ पे रूलिंग क्या है, कौन रूल करता है। इकोनॉमी में वहाँ के लोगों का प्रोफेशन क्या है, वो किस तरह अर्निंग करते हैं, उनका सर्वाइवल सिस्टम क्या है। सोशल स्ट्रक्चर में लोग जो है उस रीजन के किस तरह से इंटरेक्ट आपस में करते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका माहौल कैसा है, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लैंडफॉर्म कोई एक चूज कर लेना, माउंटेन कर ले, डेजर्ट कर ले, प्लेट्यू कर ले, इट्स अप टू यू। उसके अकॉर्डिंग आपने सबके आंसर देने। अब समर पे आपने देखें तो एक्टिविटी वन ग्रेप्स, अब आपके पास यहाँ पे स्पेस दी गई है, ठीक है। आपने इसका क्वेश्चन पढ़ना है और इसका आंसर देना है। सबसे पहले व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म डज द फिजिकल रीजन कंसिस्ट ऑफ, आपने सबसे पहले यहाँ पर माउंटेन, रिवर्स या वैली, डेजर्ट, इनमें से कोई एक चीज़ चूज़ कर लेनी है और उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपने इन सब के आंसर्स देने हैं। अब सपोज मैंने अगर माउंटेन रीजन चूज़ किया, आप कोई सब यूज़ कर सकते हैं, माउंटेन मैंने रीजन चूज़ किया, अब वहाँ पे उनका रिलीजन क्या है, कैसा है लोगों का, वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो उसको बहुत फेमस बनाती है, या कोई ऐसी इन्वेंशन हुई है या आर्ट है या कोई लिटरेचर या कोई ऐसी बिल्डिंग है जो उसको फेमस बनाती है, क्या है वहाँ पे, किस चीज़ की गवर्नमेंट है, क्या रूल करता है उस पर, इकोनॉमी कैसे, वहाँ के लोगों का पेशा क्या है, लोग किस तरह से अपना सर्वाइवल करते हैं वहाँ पर, सोशल स्ट्रक्चर, अब वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, उनके वैल्यूज़ कैसी हैं, आपस में किस तरह से इंट्रैक्शन होती है। अब इसमें इस पूरी एक्टिविटी में आपने सिर्फ इसके आंसर्स देने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप यू गेट द लेसन। थैंक यू।